नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। जो 26 मई रात को 8:30 बजे एक राष्ट्रीय मौसम पूर्व अनुमान केंद्र भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से एक बुलेटिन जारी हुआ है, जो 31 तारीख सुबह तक का मौसम का हाल के साथ आपके साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रेजेंट मानसून की क्या सिचुएशन है। मानसून जो है 25-26, ये हरी जो लाइन है ना, जो 25-26 तारीख को यहाँ पर श्रीलंका के थोड़ा सा ऊपर चढ़ा है। यहाँ पर केरला पर उम्मीद है 31 मई को आ जाएगा। लाल लाइनें जो है ये दर्शाती हैं कि भाई नॉर्मली मानसून किस समय पर कहाँ पर किस डेट पर आता है। तो ये हरी लाइनें जो है 21 मई को यहाँ था, 22-24 को यहाँ था, 25-26 को यहाँ था, आगे बढ़ रहा है। एक समुद्री तूफान हमारे इधर बंगाल की खाड़ी में जो 23 को डेवलप हुआ था, आस्ता आस्ता आते आते ये 26 तारीख का है, 26 तारीख को उसने यहाँ पर उड़ीसा में तबाही मचाई है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई और ये यहाँ पर झारखंड में भी, बिहार साइड में थोड़ी कम हुई है, वेस्ट बंगाल में थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। और ये 27 तारीख को आज के दिन क्या करेगा, ये उड़ीसा में इसका प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर झारखंड और बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। हवाएं चलेंगी 50-60 किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये इधर जो है ना, ये लगभग 28-29 तारीख तक सूखा रहेगा। अपने उत्तरी भारत की बात करें तो आप ये देख रहे हो, ये 26, 27, 28, 29, 30 रात तक का ये मौसम का हाल है, 31 सुबह तक का। ये उत्तराखंड से शुरू कर, वेस्ट उत्तर प्रदेश से मान लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश करते हैं तो ये ड्राई है। ये 1 से लेकर 25% जगहों पर हल्का फुल्का आ सकती है बारिश, अदरवाइज़ जो है ना उत्तराखंड में भी यही रहेगा। फिर हम आते हैं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में। पहले 3 दिन जो है ना 28 तक जो है ना, पंजाब में भी, हिमाचल में भी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी, और वेस्ट राजस्थान में भी, ईस्ट राजस्थान में भी, ये जो 5 जगह है ना, जो ये 3 दिन जो है ना 28 तारीख तक तो ड्राई है, शुष्क रहेगा। टेम्परेचर भी ना 40-41 से ज़्यादा नहीं जाए। हाँ, राजस्थान में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद के जो 2 दिन हैं 29 और 30 मई जो है ना, ये हल्का फुल्का गरज चमक के साथ बदलवाई आ सकती है, लेकिन एक जम्मू कश्मीर लद्दाख में थोड़ी सी ज़्यादा होएगी, लेकिन अदरवाइज़ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वेस्ट मध्य प्रदेश में भी लगभग यही सिचुएशन है, तो 29 के बाद थोड़ी बहुत बदलवाई आ सकती है हमारे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, J&K, वेस्ट राजस्थान में। तो आगे बढ़ते हुए ये 27 मई का नक्शा दिखा रहा हूँ आपको। ये जगह आ गई झारखंड, झारखंड में 27 को अच्छी बारिश हो सकती है। उसके बाद बिहार में हैवी रेन है, लाल निशान है, अलर्ट का निशान है। बिहार में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो है ही है बारिश। उसके बाद जो है ना छत्तीसगढ़ में है, इधर उड़ीसा में कम हो जाएगी, और थोड़ा सा जो है ना ईस्ट राजस्थान पूर्व की तरफ है, जहाँ पर हवाएं चल सकती हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया जो है ना, ये हरियाणा, पंजाब शुष्क रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए 28 को बात करते हैं। 28 में क्या सीन बदल गया, 28 में देखो बिहार में बारिश है, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश है, लेकिन यहाँ पर हवाएं चलेंगी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा क्लियर हो गया, वेस्ट बंगाल में हल्का फुल्का हो सकता है। मतलब कि वो जो तूफान चल रहा है ना यास, वो जो 25-26 को तबाही मचा चुका है, 27 को तबाही मचाएगा झारखंड में, बिहार में, अब ये 28 में ये सीन रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की हवाएं चलेंगी, यहाँ चेंज है, और ये पूर्वी राजस्थान में भी थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म लाइटिंग है, लेकिन वेस्ट राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो अब मैं 28 का हो गया जी, अब मैं 29 की तरफ चल रहा हूँ। 29 में क्या चेंजेस हैं, 29 में उस तूफान का असर जो है ना बहुत कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में हल्का फुल्का शुरुआत हो जाएगी बदलवाही, वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी रहेगी, पंजाब हरियाणा जो है ना ये 28 तक शांत रहेंगे, ऊपर भी J&K भी शांत रहेंगे। पूर्वी राजस्थान, ये वेस्ट राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, ईस्ट राजस्थान में हवाएं चल सकती हैं, 30-40 की स्पीड पर हवाएं चल सकती हैं। अब मैं आता हूँ 30 तारीख पर ये यहाँ पर ये चेंजेस आ गए, उत्तराखंड में भी थोड़ी सी बदलवाई है, फिर वेस्ट उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, यहाँ पर भी हल्का फुल्का प्रोग्राम शुरू हो गया है, ये पंजाब में भी हो गया है। राजस्थान की वही सिचुएशन है, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का प्रकोप रहेगा, हवाएं 40-50 की स्पीड से हैं, ईस्ट राजस्थान में भी हवा चलेगी, यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सर्फ इवेंट, तेज़ हवा चल सकती है। मध्य प्रदेश में भी हल्की फुल्की हवा चलेगी, बिजली चमक गरज के साथ होएगी, यहाँ पर ईस्ट मध्य प्रदेश में हवाएं चलेंगी, ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ऊपर भी ये हिमाचल भी शांत रहेगा,
उत्तराखंड भी ये 30 तारीख तक का मौसम आपके सामने पेश किया हुआ।